तो महिंद्रा ने इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया अपना XUV 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या है इस गाड़ी का स्पेसिफिकेशंस, क्या है इसके फीचर, गाड़ी का प्राइस क्या होने वाली है, सारा डिटेल्स आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह वेलकम टू ऑटो इन्फो, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। XUV 400 में 3 वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक है EC 3.3 किलोवाट, सेकंड EC 7.2 किलोवाट, थर्ड EL 7.2 किलोवाट। बैटरी की बात करें, इसमें दो तरह का बैटरी आपको देखने को मिलेगा। एक रहेगा 34.5 किलोवाट आवर की बैटरी, जिससे रेंज मिल जाएगा 375 किलोमीटर की, और दूसरा रहेगा 39.4 किलोवाट आवर की बैटरी, जिससे रेंज मिलेगा 456 किलोमीटर का। मोटर की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलेगा एक PMS मोटर, जो मैक्सिमम पावर देगा 148 BHP का, और टॉर्क इसमें मिल जाएगा 310 न्यूटन मीटर का। इनो वेरिएंट्स में पावर और टॉर्क सेम रहने वाला है, सिर्फ रेंज का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक में छोटा बैटरी रहेगा और एक में बड़ा बैटरी रहेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं डाइमेंशंस की। इस गाड़ी का लेंथ आपको मिल जाएगा 4200 mm, विड्थ आपको मिल जाएगा 1821 mm, हाइट 1634 mm, और व्हील बेस आपको मिल जाएगा 2600 mm की। टॉप स्पीड इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर की, और 0 टू 100 किलोमीटर पर आवर ये सिर्फ 8.3 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटीरियर फीचर्स की। अगर एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो ये गाड़ी जो XUV 300, जो इसका पेट्रोल वेरियंट आता है, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, सिर्फ एक्सटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। इसमें आपको मिल जाएगा एक इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ, रूफ माउंटेड एंटेना, बॉडी कलर्ड बंपर, 16 इंच के अलॉय व्हील्स, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, LED टेल लाइट और डे टाइम रनिंग लाइट्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। रियर वाइपर विद डिफॉगर, रेन सेंसिंग वाइपर, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM जैसे फीचर्स भी आपको एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंटीरियर फीचर्स की। इंटीरियर में आपको मिल जाएगा 4-door पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप गियर नॉब, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 7-inch टच स्क्रीन विथ एंड्रॉइड ऑटो एंड एपल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। एयर कंडीशनर इसमें मैनुअल दिया गया है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा 368 लीटर्स की। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी की। इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा सेफ्टी फीचर जैसे इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग, 6 एयरबैग्स, मिडिल रियर हेडरेस्ट, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS विद EBD, कीलेस सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, और इस गाड़ी को मिला है ग्लोबल एनकैप की तरफ से 5-star की रेटिंग। तो सेफ्टी के मामले में भी ये गाड़ी पीछे नहीं है। तो प्राइस की अगर बात करें तो जो EC 3.3 किलोवाट का प्राइस है वो 15.99 लाख रुपीस है, EC 7.2 किलोवाट का प्राइसिंग रहेगा 16.49 लाख रुपीस, एंड इसका जो टॉप एंड मॉडल है EL 7.2 किलोवाट उसका प्राइसिंग रहेगा 18.99 लाख रुपीस। सारा प्राइस एक्स शोरूम है। ऑन रोड प्राइस डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेट में गाड़ी खरीद रहे हो। कलर ऑप्शंस की अगर बात करें तो इसमें आपको 10 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 5 डुअल टोन कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन XUV 400 इलेक्ट्रिक कार के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।